अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रहात किचन। आज हम आपको देसी मुर्ग कढ़ाई बनाना सिखा रहे हैं, जिसे हम देसी घी के साथ बनाएंगे। और सोचें, ये देसी मुर्ग है प्लस देसी घी में बन रहा, तो ये कितने मज़ेदार होगी। वीडियो को देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन से आपको मिल जाएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, हम शुरू करते हैं। अब हमने क्या लेना है, हमने एक कुकर लेना है। कुकर के नीचे हमने फ्लेम ऑन कर देनी है और इसके अंदर एक गिलास पानी डाल के इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपना देसी मुर्ग डाल देंगे, जो हमने एक किलो लिया था, जो 1000 ग्राम की इक्वल होता है। ये डालने के बाद हमने जो फ्लेम है वो मीडियम टू स्लो कर देना है। इसके बाद इसमें प्याज जाएगी 3 मीडियम, जो तकरीबन 150 ग्राम के इक्वल है। टमाटर 4 अदद, जिसकी हमने ऊपर से छिलका हटा लिया था, और इसको हमने इस तरीके से इसके ऊपर रख देना है। टमाटर रखने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भरा हुआ, और नमक इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेवल जाएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून ही भरी हुई, और हल्दी 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून। अब जब हमारा अंदर नीचे ये पानी अच्छे से गर्म होना शुरू हो जाएगा, और ये सब डालने के बाद, मसाले डालने के बाद, हमने कुकर को बंद कर देना है, उसके ऊपर वेट लगा देना है, फ्लेम को हमने हाई रख देना है। जब हमारे कुकर की सीटी चलना शुरू हो जाए तो हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। देसी मुर्ग जो होता है वो अक्सर आपका 30 मिनट से 40 मिनट ले लेता है गलने में, अक्सर ये इससे भी ज़्यादा टाइमिंग सीट कर जाता है, कभी घंटे में गलता है। ये टोटली आपके मुर्ग के ऊपर डिपेंड करता है और आपके कुकर के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका ये अच्छे से गल जाए तो हमने इसको एक कढ़ाई के अंदर डाल देना है और इसे अच्छे से हमने भून लेना है। फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखनी है और उसमें अच्छे से भून लेना है। अगर टमाटर कहीं कहीं पे रह गया हो तो उसको आप साथ साथ तोड़ते जाएं। फिर अब हमने इसके अंदर डालना है देसी घी 1 कप। अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आएगी और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होगा। अब आपने इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेनी है, और अब जब ये भुन जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, और इसमें जाएगा जीरा पाउडर भी 1 खाने का चम्मच। ये डाल के इसे अच्छे से हमने भुनाई करनी है फिर से, और इसे अच्छे से हमने भूनते चले जाना है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो हमने इसके अंदर दही डालनी है फेंटी हुई 1 कप, और इसे अच्छे से हमने मिक्स करते जाना है। अच्छे से आपने दही डालने के बाद भी इसे दोबारा भूनना है। एंड में हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे, मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, आप 1 टेबलस्पून तक डाल सकते हैं, और काली मिर्च पाउडर जाएगी, और इसमें जाएगा कसूरी मेथी 1/2 टेबलस्पून, और इसे हमने हाथ से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, एक अरोमा आ जाए। हमने इसमें साबुत हरी मिर्चें 2 से 3 अदद और जुलियन में कटी हुई हरी मिर्चें भी, हमने 1 से 2 हरी मिर्चों को जुलियन में काट के डाल देना है। हरा धनिया 2 से 3 खाने का चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो काली मिर्च है वो आपने एंड में डालनी है, क्योंकि अगर आप पहले डालेंगे तो आपका कढ़ाई का जो कलर है वो रेड की बजाय एक ब्लैक सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, तो हमें कढ़ाई रेड में चाहिए, ब्लैक में नहीं। अब हमने ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए हल्की आग पर इसे छोड़ देना है। हमारी देसी मुर्ग कढ़ाई अच्छे से रेडी है। इसका एक बहुत अच्छा अरोमा आ रहा था, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, एंड यूनिक टेस्ट था, बाकी कढ़ाइयों से इसका बिल्कुल मुख्तलिफ टेस्ट था। एक दफ़ा आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देसी घी में ये बनी हुई है प्लस देसी मुर्ग है, तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट था। अब हमने क्या करना है, ऊपर से हमने धनिया और हरी मिर्चें इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है फॉर गार्निश के लिए, और इसे आप सर्व करें। नान के साथ बहुत अच्छा लगता है, प्लस चपाती के साथ बहुत अच्छा लगता है। और हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारी बाकी भी कढ़ाइयों की रेसिपीज़ हैं, डिफरेंट बाकी रेसिपीज़ हैं, वो सब भी ट्राई करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।